नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रामबान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, हालांकि हमारी वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, लेकिन अब जो है हम एक नए सिरे से आपके लिए वीडियो पेश करना शुरू कर रहे हैं। 2021 के नए वर्ष की पहले आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो कोशिश रहेगी कि अब इस वर्ष में हम आपको रेगुलर बेस पर वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो जो अभी तक हमने वीडियोज बनाई हैं उनको साइड में करते हुए आगे चलते हैं। भाई, आज की वीडियो जो हम दे रहे हैं आपको शुरू में, वो वीडियो ऐसा है जो कि UPSI और जो रेलवे NTPC के एग्जाम चल रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत कारगर होने वाली है। थोड़ा सा डीप भी कोशिश की है हमने जाने की इसमें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है शैल यानी कोशिका। तो आ जाते हैं भाई, पहले कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज देखिए भाइयों, कोशिका को साइटो कहा जाता है। नोट करते रहना, यहां पर थोड़ा लिखा हुआ है, कुछ इसकी हेल्प लीजिए, कुछ जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। कोशिका को साइटो कहा जाता है। हिंदी में कोशिका को कोशा भी कहा गया, ठीक। तो साइटो का अध्ययन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका को साइटो कहा जाता है भाई, ठीक है। तो बात आती है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। पहला सवाल आता है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो कॉर्क होता है, बोतल का ढक्कन जो होता है कॉर्क, उसको जब इन्होंने काट कर देखा तो उसमें इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के आकार की आकृति बनी दिखाई दी रॉबर्ट हुक को। उस मधुमक्खी के आकार की जो आकृति दिख रही थी उसको इन्होंने कोशा बोला और कोशा से ही कोशिका हो गया भाई। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन दूसरा बहुत अच्छा सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, यानी उनके 9 वर्ष बाद एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। अब जीवित और कोशिका इनमें अंतर कैसे है? तो मैंने जैसा बताया रॉबर्ट हुक ने किससे की, रॉबर्ट हुक ने देखा भाई कि रॉबर्ट हुक ने जो बोतल का कॉर्क होता है, कॉर्क यानी एक तरह से आप लकड़ी मानिए, तो जीवित नहीं है वो तो मृत है, तो उसमें इन्होंने कोशिका खोजी। फिर आते हैं एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, इन्होंने जो दांत की खुरचनी होती है उस पर इन्होंने कोशिका देखी, तो वो पहली बार जीवित कोशिका एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने देखी 1674 में। एक बात और याद रखना, एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया यानी जीवाणु की भी खोज भी की। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की? एंटीवन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज की किसने की? एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने भाई। आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि मनुष्य का शरीर है या दूसरे जंतुओं का शरीर है, सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं, क्या क्या सिस्टम है वो सारा इन्होंने डिटेल में बताया। स्लाइडेन और श्वान नाम के दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, एक बोटनी का था एक जूलॉजी का था, यानी एक जंतु वैज्ञानिक था एक वनस्पति वैज्ञानिक था, दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है भाई। कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस बोलते हैं जिसे, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो ये कोशिका से संबंधित खोज आ गई जिनमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से बोल रहे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने की 1665 1674, 9 वर्ष का अंतर है। फिर क्या आता है? फिर आता है जी कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने। उसके बाद आता है कोशिका के केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं कोशिकाओं से संबंधित दूसरी चीज। अब देखिए यहां पर बहुत कंफ्यूजन का कुछ चीजें हैं, एक मिनट, पहले आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ओके ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। तो आ जाते हैं, ये भी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं कई बात। अगर पूछ रहा सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है, ये जितने भी सजीव हैं सभी की बात चल रही है। ऊपर वाली जो बात चल रही है ये संपूर्ण सजीवों की बात चल रही है, और नेक्स्ट जो तीन है ये चल रही है मनुष्य से संबंधित। ऊपर की दो का मतलब है संपूर्ण सजीवों में, जो नेक्स्ट तीन है वो किसकी बात चल रही है? मनुष्य में बात। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में मिलती है।
ओके, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो गई, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो गई, मेल और फीमेल से संबंधित है सभी जानते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दे देना भाई। इसके बाद आते हैं विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन, और सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर। ये बहुत महत्वपूर्ण है लास्ट की दोनों लाइन, पहले ऊपर के तीनों का पांचों का अंतर समझ में आ गया लैंग्वेज पर। अब यहां पर विभाजन रहित कोशिका, देखिए भाई कोशिका विभाजन भी हम आज ही पढ़ेंगे इसी वीडियो में, आपको कोशिका विभाजन के पूरा बताएंगे, साइकिल सेल साइकिल सेल डिवीजन सभी में बताएंगे, सेल साइकिल में चार चक्र बताएंगे, फिर सेल डिवीजन के चीजें बताएंगे, तीन प्रकार का होता है, फिर उनमें चार चार चक्र होते हैं, वो सभी बताएंगे आज हम आपको। लेकिन पहले इसको जरूर समझिए, विभाजन रहित कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें कोई विभाजन नहीं होता, सेल टूटती नहीं है। याद रखना सेल टूटने का मतलब है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनना, यानी नई कोशिकाओं का जन्म होना, सेल विभाजन ही होता है, सेल डिवीजन ही होता है इसका मतलब भाई। तो जब विभाजन रहित कोशिका होगी तो इसका मतलब नई सेल नहीं बनेगी, और नई सेल नहीं बनेगी तो इसको कह सकते हैं इसमें जो है घाव वगैरह भी नहीं भरेंगे, इससे क्षतिपूर्ति भी नहीं होगी। तो कई लैंग्वेज में आ जाता है, पहले लैंग्वेज आती है कि कौन सी कोशिका विभाजन रहित होती है, आंसर है न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं। दूसरा पूछा जा सकता है कौन सी कोशिकाओं में पुनर्उद्भवन की शक्ति नहीं होती, न्यूरॉन में नहीं होती, मस्तिष्क कोशिकाओं में नहीं, पुनर्उद्भवन दोबारा उद्भव होने की शक्ति नहीं होती, या ये कह सकते कौन सी कोशिकाएं क्षतिपूर्ति नहीं करती, न्यूरॉन नहीं करती। क्षतिपूर्ति यानी कि जो शरीर को नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति, घाव क्षतिपूर्ति, मान लिया हमारे शरीर में घाव हो गया, अब घाव को भरने के लिए उसको पूर्ति करने के लिए किसकी जरूरत है, नई कोशिकाओं के जन्म की, और नई कोशिका कब बनेगी, जब सेल का विभाजन होगा। तो न्यूरॉन में ये भी नहीं होता भाई। सबसे तेज कहां पर होती है, लीवर में होती है, सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर है, यकृत कोशिकाएं हैं, तो इसका मतलब सबसे जल्दी क्षतिपूर्ति कहां पर होती है, यकृत में होती है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन वाली शक्ति कहां पर होती है, कोशिकाएं कहां से होती है, लीवर से जुड़ी होती है। सबसे जल्दी क्षतिपूर्ति कहां की होती है, लीवर में होती है भाई। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी देखिए हमारे पास कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, पहले आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बार बार भूल जाता हूं। ओके भाई उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक भाई आगे की लाइन में चलते हैं हम। तो अगली जो है कोशिकाएं जो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक होती है यूकैरियोटिक। ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित कोशिका होती है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई, और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, जो विकसित होती है पूरी तरह से डेवलप होती है। अब दोनों में अंतर, अगर आपसे कोई पूछे कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले में और दूसरे में अंतर देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्योंकि मैंने बताया क्या है कि वो अविकसित होती है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें जबकि उपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक होगी विकसित है तो उसमें केंद्रक भी विकसित होगा। इससे अलग इस लाइन को बाद में देखते हैं, अभी हम नीचे आ जाते हैं। इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता, गोल्जीकाय नहीं होता, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया सभी के सभी अनुपस्थित होते हैं और इसमें सारे के सारे उपस्थित होते हैं। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है, केंद्रक अनुपस्थित है, लाइसोसोम गोल्जीकाय केंद्रक झिल्ली सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे अनुपस्थित है, इसमें सारे उपस्थित है, यानी कि जितने भी कोशिका के अंग हैं जहां ज्यादातर वो सारे अनुपस्थित है, यानी कि नाम मात्र की कोशिका कह सकते हो इसको, इसमें सारे उपस्थित होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है। एक चीज और, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में, अगर कोशिका भित्ति होगी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसमें होगी तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी नाम मात्र की कोशिका भित्ति होती है जिसको हम कोशिका भित्ति जैसी कह सकते हैं, पूरी तरह से कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। ये कोशिका के भित्ति के जैसी आकृति बनी होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनती है, लेकिन वास्तव में जो प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है, वो कहाँ कौन सी की बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या बताया, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो अविकसित कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता,
अविकसित में हिस्टोन प्रॉपर्टी नहीं होता, इसके बाद केंद्रक नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, गल्जिकाए नहीं होता, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ये सारे के सारे अनुपस्थित रहते हैं इसमें, सारे के सारे इधर अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो कोशिका झिल्ली बनी होगी, कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होगी, वो नाम मात्र की होगी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई, और इधर जो बनी होगी वो सेलुलोज की होगी, पूरी तरह से विकसित होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीन शॉट लीजिए प्लीज। ओके, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि कई बार हम जब करते हैं तो कुछ कंप्यूटर जो है अपने आप उसको स्पेलिंग को सेट करता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। अब देखिए कोशिका के एक प्रकार हो गए प्रोकैरियोटिक, एक होगी यूकैरियोटिक। अब दूसरी चीज आती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका के दो प्रकार और हो गए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जो पेड़ पौधे में मिलती है वो पादप कोशिका, और जो जंतुओं में मिलती है इंसान में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, मछलियों में, सभी में कौन सी होती है, जंतु कोशिका होती है। अब इन दोनों में भी अंतर क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जंतु कोशिका सारी प्रोकैरियोटिक होगी, वो प्रोकैरियोटिक एक छोटी सी है। अभी जब हम उसका डिटेल में जाएंगे, हम जब आपको पेंटा किंगडम थ्योरी बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। RH व्हिटेकर ने दी थी पेंटा किंगडम थ्योरी, सजीवों का वर्गीकरण, जब हम उसको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत अच्छी तरह से कि कौन सी प्रोकैरियोटिक है, कौन सी यूकैरियोटिक है। ठीक है, अभी इसमें समझने की कोशिश कीजिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरा भाई, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट ही तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है भाई। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है, पेड़ पौधों में होती है, हरे पेड़ पौधों में, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, बाकी तो क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं भाई। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। वैसे भी एक बात और है, इन्हें प्लास्टिड बोलते हैं, लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका में तीनों प्रकार के लवक होते हैं, जंतु कोशिका में लवक होता ही नहीं है, प्लास्टिड नहीं होता, तो इसमें से हमने क्लोरोप्लास्ट को लिख दिया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, इधर अनुपस्थित होते हैं, पादप में अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसे का ऐसा ही नोट कर लीजिए, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके भाई, ठीक है, अभी हमने क्या बताया कोशिका के बारे में, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका एंटी वॉन लीवेनहॉक ने, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने, फिर कुछ कोशिकाएं के बारे में बताया हमने, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे ज्यादा क्षतिपूर्ति करने वाली, कम करने वाली, वो सब के बारे में बताया, और कोशिका के दो प्रकार बताए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। फिर हमने उनका अंतर बताया, फिर दूसरी कोशिकाओं के प्रकार हुए, जंतुओं में अलग टाइप की और पादप में अलग, प्लांट में अलग, एनिमल में अलग। तो ये एनिमल सेल होगी, ये प्लांट सेल होगी, फिर दोनों में डिफरेंस बता दिया आपके सामने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति अगर इंग्लिश वर्जन वाले तो सेल वॉल, भित्ति मतलब दीवार, वॉल। ठीक है, सेल वॉल अनुपस्थित और इधर प्रेजेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब कोशिका के अंगों की बात करते हैं। कोशिका के अंग बहुत सारे हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बन सकता है उनके बारे में। पहला कोशिका का अंग होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। देखिए भाई, सेलुलोज से बनी होती है, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण कि कोशिका की भित्ति किससे बनती है, सेलुलोज से। हालांकि प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की, वो मैंने बताया नाम मात्र की होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेलुलोज से बनी होती है, पहला बहुत अच्छा सवाल। दूसरा, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, क्योंकि कोशिका के चारों तरफ जितने भी कोशिका के अंग हैं उनको चारों तरफ से घेर रखा है, और कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधे रखती है। तो कोशिका भित्ति अभी सिर्फ ऊपर देखेंगे हम, फिर सेल मेम्ब्रेन पर आ रहे हैं, पहले कोशिका भित्ति की बात करते हैं हम। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती, याद रखना, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। ये सेलुलोज से बनी होती है, कोशिका को निश्चित आकार देती है, कोशिका को सुरक्षा भी दे रही है यही, और तीसरा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधने का काम भी करती है। फिर आती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बाद जो अंदर बनेगा वो झिल्ली बनती है भाई। ठीक है, तो देखिए बाहर पहले, अगर हमारी जंतु कोशिका है तो सबसे बाहर का जो आवरण है उसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन पादप कोशिका में उसके बाद भी एक और आवरण बन जाता है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। यानी कि समझकर चलिए कि कोशिका के सारे अंग जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं,
कोशिका अंग जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। क्लियर हुआ? ओके भाई। और अगर पादप कोशिका है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आवरण चढ़ा होता है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक, कोशिका भित्ति की अंदरूनी सतह पर कोशिकाओं को घेरे रहती है, कोशिका अंगों को, कोशिकाओं की जगह कोशिका अंग कर लेना। तो ये कोशिका की भित्ति ही होती है, उसके अंदर की साइड में होती है ये, अगर भित्ति है तो, वरना तो सबसे बाहर यही होगी। ठीक है, कोशिका के भित्ति की अंदरूनी सतह पर कोशिका के अंगों को घेरे रहती है, जितने भी कोशिका के अंग है, चाहे वो क्या है आपका ईआर है, चाहे आपका लाइसोसोम है, चाहे सेंट्रियोसोम है, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे आपका केंद्रक है, सारे के सारे इसी के अंदर रहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य यानी कि क्या, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसल्यूशेंट टाइप का बोल सकते हो आप, जिसके पार कुछ चीजें निकल सकती हैं, कुछ चीजें नहीं निकल सकती। ठीक है, सपोज कीजिए दीवार में गेट है, दरवाजा है, अब दरवाजे को खोल दें, आप भी निकल सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, हवा भी निकल सकती है, सब कुछ निकल सकते हैं, लेकिन गेट नहीं है, जाली है, जाली में से हवा निकल सकती है, हम और आप नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब जाली अर्धपारगम्य है, और वो जो गेट है तो वो पारगम्य है, और मान लिया पीछे दीवार है तो वो अपारगम्य हो गई। तो अर्धपारगम्य कौन सी है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है अर्धपारगम्य होती है, इसमें से कुछ चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं आ जा सकती, अर्धपारगम्य होती है। इसलिए कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का पारगमन इसी से होता है। कोशिका से अंदर और बाहर अगर कुछ चीजें आएंगी जाएंगी तो किससे जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए गुजरेंगे, कुछ चीजें, सभी नहीं, अर्धपारगम्य होती है। तो समझ में आ गया। अब कोशिका के जितने अंग हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, अगर जंतु कोशिका है तो, और अगर पादप कोशिका इसके बाहर एक और परत चढ़ी होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। ओके, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद चलते हैं भाई हम, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, यह भी कोशिका का अंग है। इसकी खोज अल्टमैन ने की और इसका नाम बेड़ा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो दिया बेड़ा ने दिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की। ठीक, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, जरूर नोट करें, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया चलती है, तो एडीपी से एटीपी का निर्माण कौन सा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो ऊर्जा बना रहा है, तो इसका मतलब ऊर्जा जो होती है वो इसी में बन रही है, तो इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कह रहे हैं। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। हर लाइन एक क्वेश्चन है, याद रखना भाइयों। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अभी तक हम तीन अंग पढ़ चुके हैं कोशिका के, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो देखते रहें। केंद्रक यानी न्यूक्लियस प्रबंधक के रूप में काम करता है। जो न्यूक्लियस होता है ये प्रबंधक के या मैनेजर के या नियंत्रक के रूप में काम करता है। जितने भी कोशिका के सभी अंग है इनको कहेगा कि भाई आप ये कीजिए, आप ये करिए, आपका काम ये है, तो सभी का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस या केंद्रक कर रहा है। ठीक है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। भैया जी, कोशिका का दिमाग कौन सा है, ब्रेन ऑफ सेल कौन सा है, न्यूक्लियस है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें प्रोटीन 85%, डीएनए 10% और आरएनए 5% होता है। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है। जब हम सेल वॉल के बारे में, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है, जो किसकी होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है उससे, और केंद्रिका से क्रोमेटिन नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं भाई। ठीक है, तो केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल का प्रयोग कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है भाई। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट भाइयों। ओके भाई, इसके बाद आ जाते हैं गल्जी का या गल्जी बॉडी, गल्जी का या गल्जी बॉडी। तो इसकी खोज कैमिलो गल्जी ने की, तो कैमिलो गल्जी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, गल्जी का या गल्जी बॉडी पड़ गया भाइयों। ठीक है, किसका भाई, गल्जी का। ऊर्जा प्रोटीन आदि का परिवहन का कार्य करता है,
देखिए होता क्या है भाई, हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, तो जब हम शरीर पर कुछ काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे शरीर की एनर्जी जो सभी जगह समान रूप से खर्च हो जाए। अभी हम मान लिया हाथ का प्रयोग कर रहे हैं तो हाथ की एनर्जी, हाथ की जो कोशिका है उनकी एनर्जी ज़्यादा समाप्त होगी। अगर हम दौड़ रहे हैं तो पैरों में जो है जो कोशिकाएं हैं उनकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तो जब हम जिस अंग का प्रयोग करते हैं वहां की कोशिकाओं की एनर्जी जल्दी समाप्त होगी, पक्का है। तो ऐसे में पता चला जी हमारे एक कोशिका के पास बिजली बची हुई है, ऊर्जा बची हुई है, और दूसरी कोशिका के पास ऊर्जा की कमी है। तो इस चीज का बैलेंस का काम, ऊर्जा की जो ऊर्जा और प्रोटीन आदि का परिवहन का काम जो कर रहा है वो कौन करता है, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। यदि पड़ोसी कोशिका के पास कम है तो उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके थ्रू होगा, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी देखता है कि कहां पर ऊर्जा को पहुंचाना है उसको, कहां पर प्रोटीन को पहुंचाना है, ये किसका काम है, गोल्जी काय का है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, देखिए भाई बहुत अच्छा सवाल आता है। जीव द्रव्य जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जीवन की भौतिक इकाई या जीवन की इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, लेकिन जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, यानी जीव द्रव्य है। अब ये जो जीव द्रव्य होता है इसी के कारण कोशिका के अंदर जान होती है। वैज्ञानिक ये तो पहचान गए हैं कि भाई जीव द्रव्य बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, लेकिन उसमें जान कहाँ से आती है ये अभी एक रिसर्च का मैटर है कि ईश्वर जो कर रहा है वो जान कैसे डाल पा रहा है कोशिकाओं में, ये रिसर्च का मैटर है। बाकी ये सब बनाने में कामयाब हो चुके हैं वैज्ञानिक जो है। अब आगे बढ़ते हैं तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसका नामकरण किसने किया, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया। ये 80% जल वाला रंगहीन द्रव्य होता है, ये एक ऐसा है द्रव्य है जिसमें 80% जल होता है और कलरलेस होता है। भाई ये देखने में कोई कलर नहीं है, इसके अंदर 80% पानी होता है, ठीक है, इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। देखिए केंद्रक एक छोटा है, कोशिका उसके चारों तरफ है। अब अगर केंद्रक के अंदर है तो इसे न्यूक्लियस प्लाज्मा बोलते हैं, और केंद्रक के बाहर है यानी कोशिका में कहीं भी फैला हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। अब देखिए नाम से पता चल रहा प्लाज्म, प्लाज्म यानी प्लाज्मा जैसा होगा। तो इससे फायदा भी क्या होता है कि सपोज करो हमारी ये पूरी की पूरी कोशिका है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है छोटे से में, पूरा का पूरा बोर्ड हमारी कोशिका है। अब यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा गोल्जी कॉय है, यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लाइसोसोम है, यहाँ सेंट्रोसोम है। अब ये जो कोशिका के सारे अंग हैं ये आपस में इधर उधर भी तो टकरा सकते हैं ना, तो एक तरह से इन अंगों के बीच बीच में क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। प्लाज्मा समझिए, प्लाज्मा में यहां पर न्यूक्लियस ठहरा हुआ है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर सेंट्रोसोम है, यहां पर लाइसोसोम है, सभी जगह अलग अलग हैं सर, तो एक दूसरे से टकराने से भी तो बच रहे हैं ना। एक तरह से उनको एक स्थिति, एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया जिससे कि उनके बीच में, मतलब न्यूक्लियस के बीच में और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब प्रोटोप्लाज्म भी दो तरह का होगा, जो न्यूक्लियस के और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में है वो साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। साइटो मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका के तो अंदर है लेकिन न्यूक्लियस से बाहर है तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट भाइयों। ओके भाई आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमारे नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आता है सेंट्रोसोम या तारककाय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम, हिंदी में तारककाय। इसकी खोज बोबरी ने की। इसका कार्य कोशिका विभाजन अर्थात कोशिका का पुनर्निर्माण कर रहा है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सेंट्रोसोम की होती है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया, न्यूरॉन जो सेल होती है उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, कोशिकाओं का विभाजन कर रहा है। अब कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, न्यूरॉन में नहीं होता, मस्तिष्क कोशिकाओं में नहीं होता, इसलिए पूछा जा सकता सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। बिल्कुल क्लियर हुआ, ओके भाई। तथा सबसे ज्यादा लीवर कोशिकाओं में होता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लीवर कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की शक्ति होती है, लीवर कोशिकाएं सबसे ज्यादा क्षतिपूर्ति करती हैं, ये भी हमने बता दिया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, लीवर कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पक्का होगा।
उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती है, सेंट्रोसोम की। अब जहां पर ये नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जहां पर ये है तो सेल डिवीजन होगा भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सेंट्रोसोम या तारकाय। इसके बाद आता है अंतर प्रद्रव्य जालिका, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता, अभी आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है। अंतर प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कोशिका के आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है। देखिए भाई, हमारे शरीर के अंदर कंकाल स्केल्टन है, स्केल्टन यानी कंकाल यानी हड्डियों का जो ढांचा है, ये कंकाल है। तो इसका काम क्या है, हमारे शरीर को मजबूती देना, हमारे शरीर का बैलेंस बनाना, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर रूपरेखा बनाना किसकी वजह से है, कंकाल की वजह से है। जैसे मकान बना रहे तो पिलर खड़े कर रहे हैं, तो मकान के लिए पिलर, शरीर के लिए कंकाल, ऐसी कोशिका के लिए अंतर प्रद्रव्य जालिका हो गए भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो कोशिका के अंदर जो है एक तरह से बैलेंस बनाने का, मजबूती देने का काम किसका है, ER का है, ओके। अब इसके दो प्रकार होते हैं, देखिए एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। स्मूथ यानी कि चिकना होगा, एक होगा खुरदरा टाइप का। इसके दो पार्ट होते हैं, जिधर रफ होता है उधर वसा का निर्माण करता है, फैट का निर्माण का ER द्वारा किया जाता है, किस साइड में, जिधर रफ होता है, दूसरी तरफ खुरदरा होता है जिसका, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो रफ वाला होता है एक स्मूथ होता है, स्मूथ पर तो वसा हो गई, और जो रफ वाला होता है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कई बार ये आ जाता है सवाल के ऊपर है कि भाई ER किस किस को बनाता है, वसा को बनाता है और प्रोटीन को बनाता है, लेकिन प्रोटीन वास्तव में राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं, ER के ऊपर चिपके होते हैं, और ER के ऊपर जब राइबोसोम चिपके होते हैं तो वो रफ लगता है, खुरदरा सा लगता है देखने में। तो जो उसका स्मूथ वाला चिकना वाला है उसमें वसा बनती है, और जो दूसरा वाला है जो खुरदरा है उस पर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, अभी बताया मैंने, प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं प्रोटीन और वसा ER बनाता है, अंतर प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाता है ER, ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ओके भाई अगले पर चलते हैं। अब आ गया राइबोसोम, अभी हमने बताया ER पर एक तरफ राइबोसोम चिपके होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम किसका बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार है, मुख्य प्रकार बता रहा हूं मैं, 70S और 80S, 70S और 80S दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं जनरली ठीक है, वैसे तो और भी होता है लेकिन आप इतना ही याद रखिए। ऐसा बन सकता 70S और 80S किसके प्रकार हैं, ऐसा सवाल बन सकता है, राइबोसोम के, लाइसोसोम के, सेंट्रोसोम के, इस तरह के चार ऑप्शन दे सकता है। तो राइबोसोम के 70S और 80S प्रकार, दो प्रकार मुख्य याद रखने हैं आपको, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको, राइबोसोम को। अब राइबोसोम है, यहां पर आ गया लाइसोसोम, बहुत खतरनाक चीज। इसकी खोज डी डूबे ने की, किसने की, डी डूबे ने। इसके जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, एक एंजाइम पाया जाता है जो जल अपघटक होता है भाई, ठीक है, जो कोशिका पाचन करता है, कोशिका में पाचन, जैसे हम अगर भोजन खा रहे हैं तो भोजन में हम लार मिलती है, लार में टाइलिन होता है, एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो कोशिका के अंदर जो पाचन का काम करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। लेकिन ये जो लाइसोसोम है किस किस का पाचन भी कर रहा है, कई बार तो जो चीजें इसको पाचन के लिए दी गई उन्हीं का करता है, लेकिन कई बार ये कोशिका के अन्य अंगों का भी पाचन कर लेते हैं। अगर कोई अंग लपेटे में आ गया, मान लिया इसके लपेटे में राइबोसोम आ गया तो राइबोसोम को ही पचा जाएगा ये, मान लिया इसके लपेटे में सेंट्रोसोम आ गया तो सेंट्रोसोम को ही पचा जाएगा ये भाई, ठीक है। अब देखिए, इसके लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है भाई, मैंने कहा ये कोशिका को पाचन का काम करता है। कई बार क्या होता है कि कोशिका ही पूरी की पूरी ही खराब हो गई है, अब कोशिका का काम बिल्कुल खराब हो गया है तो एक तरह से डेड बॉडी है इसको, अब उसको बचाना है तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा लाइसोसोम फट जाता है, फटता है तो ये जो जल अपघटक है पूरी की पूरी कोशिका को हजम कर जाता है, खुद की कोशिका को ही हजम कर जाता है। तो कोशिका के अंदर ऐसा बम है जिसे हम कोशिका का एटम बम भी बोल सकते हैं, जो कि
कोशिका के पाचन का काम करता है। अब क्योंकि खुद को भी नुकसान पहुंचा जाता है तो इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका के अंदर एक पूरी की पूरी कोशिका को ले डूबता है तो इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। समझ में आ गया? हो गया। एक चीज और, लाइसोसोम को आप इसका सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे हाथ में यहां पर है, हमारे हाथ में कोई चोट लग गई, चोट लगने से कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई, मर गई भाई। अब क्या होगा, नई कोशिका तो आएंगी लेकिन पुरानी कोशिका की भी तो सफाई होनी जरूरी है, तो उनका अंतिम संस्कार भी तो करना है भाई। अंतिम संस्कार यानी कि उनके पाचन भी होना चाहिए या उनकी सफाई भी होनी चाहिए, तो कौन करेगा? लाइसोसोम ही तो करेगा भाई। तो कोशिका का पाचन या कोशिका की सफाई करना किसका काम है? लाइसोसोम है। अब कई बार ये पूरी की पूरी कोशिका को खुद नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक बार और, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं होता, इसीलिए और सभी, जैसे मान लिया हमारी यहां की कोशिका तो ये यहीं पर मरेगी, इसका अंतिम संस्कार लाइसोसोम यहीं पर कर देगा। लेकिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 4 महीने बाद आरबीसी मर जाती है, तो उसका भी तो अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो ऐसे में उसमें तो लाइसोसोम होता नहीं है, लेकिन आरबीसी होती है ब्लड में, ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है, तो इसीलिए जब आरबीसी मरती है तो उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? उसका अंतिम संस्कार होता है प्लीहा, यानी स्प्लीन में, प्लीहा में। तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान बोलते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए इसके लिए जरूरत कहाँ जाती है? इसकी जरूरत पड़ती है, इसके अंतिम संस्कार की जरूरत पड़ती है प्लीहा में, स्प्लीन में। समझ में आ गया? और सभी कोशिकाएं का अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाएगा, कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं हम। ओके, लेकिन आरबीसी कहां जाकर नष्ट होगी, कहां जाकर अंतिम संस्कार होगा, ये मानिए कहां पर भैया? आपकी प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लीजिए भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके भाई, अगले पर चलते हैं। अब इसके बाद आता सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, ये कोशिका का जो बाहर का होता, मान लिया ये कोशिका है तो कोशिका में यहां पर बाल जैसी आकृति बनी होंगी, छोटी छोटी, छोटी वाल ज्यादा, कुछ बाल बने होंगे इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये जो बाल होते हैं जो ज्यादा लंबे होते हैं वो फ्लैजिला, जो छोटे थोड़ी छोटे होते हैं वो सीलिया। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला कोशिका के बाहरी भाग में बाल नुमा रूप में पाए जाते हैं, पहली चीज, हेयर के रूप में, हेयर लाइक आकृतियां होती हैं। ठीक है, कोशिका को गति में सहायक, कोशिका जो गति होती है, थोड़ा बहुत मोशन होता है, वो सीलिया एंड फ्लैजिला के द्वारा होता है। ओके, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चलने का काम तो जंतुओं का है ना, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं भाई ये, पादप कोशिकाओं में सीलिया फ्लैजिला का अभाव होता है। अभी तक हम कई चीज पढ़ चुके हैं जो किस में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। जैसे ये पादप कोशिका में नेक्स्ट प्लास्टिड है, ठीक है, ये पादप में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, ये सिर्फ ऐसा है जो एनिमल सेल में पाया जाता है। ओके, सीलिया फ्लैजिला गति में सहायक है, बाल की जैसी आकृति होती है, कोशिका के बाहरी भाग में होते हैं, अंदर नहीं होते भाई, और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद आते लवक यानी प्लास्टिड। लवक, लवक यानी जो कलर प्रदान करने वाली चीज होती है, उन्हें लवक बोलते हैं। केवल पादप कोशिका में पाया जाता, पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, और सेल वॉल दोनों केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, प्लास्टिड के तीन प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित, हरे रंग का होता है, ठीक है, हरित लवक पत्ती और तने में पाया जाता है, भोजन निर्माण करता है। तो पेड़ की पत्ती और तने में, कई बार तना जो होता है हरे रंग का होता है, जहां पर हरियाली दिखाई दे रही है पेड़ में, समझ जाइए वहां पर क्लोरोप्लास्ट है। और भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस हरे भाग में ही तो होती है, तो जहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पर भोजन का निर्माण होगा। तो पूछा जाए आपसे कि भोजन का निर्माण पूरे पौधे में होता है या कहां पर होता है? सिर्फ हरे भाग में, पौधे के हरे भाग में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है, क्लियर हो गया। और हरित लवक इसलिए कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अर्थात एवरग्रीन लवक, जो कोई कलर प्रदान नहीं करता, पेड़ में जिस भाग पर कोई कलर प्रदान नहीं होगा वो एवरग्रीन लवक है। ये जड़ में पाया जाता मुख्य रूप से, जड़ में देखा कलर नहीं होता, भोजन को संग्रह करने का काम करता है। तो जहां ल्यूकोप्लास्ट होगा एवरनी लवक होगा, वो उसका काम है भोजन को संग्रह करना। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। एक होता क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा नहीं है, क्रोमोप्लास्ट, ये अर्थात वर्णी लवक, इसको वर्णी लवक बोलते हैं, वो हरित लवक, ये वर्णी लवक, ये एवरनी लवक, और ये रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, क्या है कैरोटीन? क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, यानी कि क्रोमोप्लास्ट है कैरोटीन। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा।
ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हमने जो आपको बताया, ये हमने बताया कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका क्या होती है, दो तरह की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, एनिमल सेल प्लांट सेल। उसके बाद कोशिका के अंग, सभी अंगों के अलग अलग बात, मतलब कार्यों के बारे में अलग अलग बताया, जितना जहाँ से सवाल बनने के चांस है। वैसे भाई आप पूरा साइटोलॉजी एक पूरी साइंस है, कितना भी गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके भाई, हमने कोशिश की है कि इस छोटे से में ही लगभग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग आ जाएं और कोशिका को आप अच्छी तरह से समझने लगे। ठीक है, आपने अगर पिछले पेपर उठाएंगे तो इनमें से कहीं ना कहीं सवाल रिपीट होते ही रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा भाग होता केंद्रक, और पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग भाग होता लवक। यानी जो एनिमल सेल होती है उसका सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस, और जो प्लांट सेल है उसका सबसे बड़ा भाग है प्लास्टिड। अभी बताया प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने अभी तक आपको क्या बताया है, अभी तक हमने बताया कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब कहते हैं हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा जीवन चक्र होता है, बच्चे का जन्म होता है, फिर वो थोड़ा सा बालक बनता है, शिशु से बालक बनेगा, फिर उसके बाद किशोर होगा, फिर वयस्क होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये पूरा एक जीवन चक्र है। ऐसी कोशिका का भी एक चक्र होता है। पहले कोशिका हुई, कोशिका फिर अपना कार्य करेगी, फिर उसमें विभाजन होगा। विभाजन का मतलब है फिर एक नई कोशिका, यानी पुरानी कोशिका मर गई, उसमें से दो नई कोशिकाएं बन गई या चार नई कोशिकाएं बन गई, वो कैसे कैसे होता वो सब आते हैं। तो इसे कोशिका का चक्र बोलते हैं, सेल साइकिल। तो आज शुरू करते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। क्या कह रहा है? कोशिका का बनना तथा उसका विभाजन होना कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका का बनना और कोशिका का विभाजन होना, उसका पहले कोशिका बनेगी, फिर अपना कार्य करेगी, फिर विभाजित होगी। तो ये क्या पूरा क्या है? सेल साइकिल है। इसके चार चक्र होते हैं, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज। ठीक है, अभी समझते हैं हम इसको। कोशिका चक्र की चार अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं यानी चार फेज होती हैं। जी1 फेज आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है जी1 फेज में। ठीक है, जी1 फेज में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरी फेज आती है एस फेज, डीएनए का सिंथेसिस होता है। थर्ड फेज आती है जी2 फेज, जिसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है। पहला हो रहा है आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण, दूसरा हो रहा है डीएनए का संश्लेषण, और तीसरे में सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। ये तीनों प्रारंभिक इस फेज हैं, अवस्थाएं हैं। ये तीनों इंटरफेज कहलाते हैं। ये जो ऊपर के तीनों जी1 है, एस है, जी2 है, इंटरफेज कहलाते हैं। चौथी अवस्था है एम फेज, जिसे मिटोटिक फेज भी कहते हैं। एम फेज, इसे क्या कहते हैं? मिटोटिक फेज। नाम में कन्फ्यूज मत रहना, ये मिटोटिक है, आगे आएगा मेसोसिस। ठीक है, अमीसोसिस। ठीक है, ये सब जो आएंगे मिलते जुलते नाम आएंगे। एम फेज सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो कोशिका के चरण, चौथा जो चरण होता है सेल साइकिल का, जो फोर्थ स्टेप होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, जिसे मिटोटिक फेज कहते हैं, यानी एम फेज कहते हैं। तो पहला फेज है जी1 फेज, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। एस फेज, डीएनए का संश्लेषण। जी2 फेज में तैयार हो रही है सेल डिवीजन के लिए, और चौथे फेज में हो जाती है, मिटोटिक फेज में क्या हो जाता है? सेल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, आइए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाई, अब आ जाते हैं। तो सेल डिवीजन के जो है वो सेल साइकिल का एक भाग है, याद रखना। अभी हम सेल साइकिल समझ में आ गया, सेल साइकिल। अब सेल डिवीजन इसी का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं भैया, अभी हम मिटोटिक फेज वगैरह को पढ़ेंगे, उससे पहले हम सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन होता क्या है, यानी मिटोटिक फेज, सेल डिवीजन होता क्या है? जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का ही एक चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन को एक मान लेते हैं, कोशिका चक्र का एक छोटा पार्ट है सेल डिवीजन, सेल साइकिल का बाहर है सेल डिवीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन द्वारा ही प्राणियों के शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता, प्रजनन और तथा क्रम विकास भी कोशिका विभाजन के कारण होता है। घाव भरने के लिए भी कोशिका विभाजन होना आवश्यक है।
कोशिका बढ़ रही हैं, प्राणियों के शरीर की वृद्धि हो रही है या घाव भर रहे हैं, ये सब कोशिका विभाजन के कारण ही होता है। ओके, अगर कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कैंसर होता है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि कैंसर का कारण बनती है भाई, ये आप सभी जानते हैं भाई। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सेंट्रोसोम बढ़ गया तो कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा, कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा तो कैंसर हो सकता है भाई। यहाँ तक क्लियर है? तो सेल साइकिल का एक भाग है सेल डिवीजन। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ओके भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सेल साइकिल हो चुका है, अब आ जाते हैं सेल साइकिल का जो चौथा भाग यानी सेल डिवीजन है वो क्या होता है, वो बता चुके हैं। अब इसको मिटोटिक फेज बोलते हैं। मिटोटिक फेज जो होती है इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है, न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म बताया था ना मैंने, प्रोटोप्लाज्म का एक भाग होता है, दो तरह का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो जब पहले न्यूक्लियस विभाजित हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस, और जब पूरी की पूरी कोशिका फिर टूटकर दो बन जाएगी या चार बन जाएगी उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है ओके। कैरियोकाइनेसिस की इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, यानी जो न्यूक्लियस विभाजित होता है उसकी चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस। इसको कोशिका विभाजन की पांचवी अवस्था भी कहा जाता है, जब बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहां तक जो है पूरी भूमिका तैयार हो रही रहती है, लास्ट जो झटका लगता है वो यहां पर लगता है और कोशिका विभाजित होकर बिल्कुल नई कोशिका काम करना शुरू कर देती है, उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कोशिका विभाजन की चार अवस्थाएं याद रखना, अभी तीन प्रकार के, तीनों में यही चलता है। कोशिका विभाजन की चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन पांचवी अवस्था किसको कहते हैं? साइटोकाइनेसिस को। ओके ठीक है। प्रोफेज, देखिए प्रोफेज क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। ओके प्रारंभिक अवस्था प्रोफेज, इसको बोलते हैं, मेटाफेज को मध्य अवस्था, इसको बोलते हैं पश्च अवस्था, पश्चात वाली अवस्था, और टेलोफेज को बोलते हैं अंत अवस्था यानी अंतिम अवस्था हिंदी में। तो हिंदी के नाम थोड़े अजीब से हैं तो इसलिए मैं बोलकर बता रहा हूं, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखना, इंग्लिश में ही याद रखना। प्रोफेज यानी प्रारंभिक अवस्था, ओके, मेटाफेज मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, अंत अवस्था, अंत्य, अंत्य बोलते हैं अंत्य अवस्था। साइटोकाइनेसिस पांचवी अवस्था कही जाती है, किसकी भैया? कोशिका विभाजन की। अब ये जो ये है, कोशिका विभाजन भी तीन प्रकार का होता है, तीनों में ये प्रयोग किए जाते हैं भाई। अभी आ जाते हैं हम, कैसे कैसे होता है उस पर आइए। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन वो मैंने बताई, सेल डिवीजन की स्टेज या कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है, एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, मिटोसिस यानी सूत्री विभाजन, और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब ध्यान से देखना भाई, वहां है मिटोटिक फेज, एमफेज यानी मिटोटिक फेज, यहां मिटो एमिटोसिस और मिटोसिस है, ये स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। एमिटोसिस असूत्री विभाजन, सेल डिवीजन के तीन प्रकार होते हैं, एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, मिटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, और सेल डिवीजन मिटोटिक फेज को बोलते हैं, MITOTIC। देखिए इसको देखिए, मिटोसिस को देखिए, और आप इसको देखिए, मिटोटिक फेज को देखिए, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ओके उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों के बारे में, एमिटोसिस, मिटोसिस या मियोसिस होते क्या हैं, पहले बात करते हैं एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, जहां सूत्रों का कोई योगदान ही नहीं है, सूत्र यानी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। इस प्रकार का विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है, इस प्रकार का विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। विभाजन को बाइनरी फिजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन भी कहते हैं, हालांकि इसमें हमने कुछ प्रोकैरियोटिक कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं को शामिल किया, याद रखना भाई। इस प्रकार एमिटोसिस विभाजन को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। इस प्रकार का विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय जीव है तो वहां भी मिल जाता है, याद रखना, क्योंकि एक कोशिकीय जीव कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं कुछ यूकैरियोटिक होते हैं, तो एक कोशिकीय में ही ज्यादातर मिलता है ये देखने को। तो इसमें पूछा जाए कि असूत्री विभाजन किस किस में होता है? प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, यीस्ट, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सभी में कौन सा होता है? एमिटोसिस विभाजन होता है।
सूत्री विभाजन होता है। फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस प्रकार का विभाजन मुख्यतया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्यतया, ठीक है। अगर एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा पैरामीशियम हो गए, ये यूकैरियोटिक में आ जाते हैं तो भी ये मिल सकता है आपको, और इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, तो इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होता कि किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है, इसलिए उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन जहां पर विभाजन का कोई निश्चित नियम नहीं है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, फिर आता है मीटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका या बॉडी सेल में मिलता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका या बॉडी सेल में मिलता है, इसमें एक मात्र कोशिका यानी पेरेंट सेल, दो डॉटर कोशिकाएं यानी संतति, संतति मतलब संतान, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, किसमें, समसूत्री विभाजन में। समसूत्री समान सूत्र है जिसमें, इसका मतलब क्या है, अगर मातृ कोशिका में जितने क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। अर्थात इसमें विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। यहां पर देखिए, अगर एक कोशिका विभाजित हुई तो दो बन जाएंगी, पांच हुई तो दस बन जाएंगी, पंद्रह हुई तो तीस बन जाएंगी, पचास का विभाजन हुआ तो सौ बन जाएंगी, कोशिकाओं की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी एन से क्या हो जाता है, टू एन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके, गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती, क्रोमोसोम्स की संख्या परिवर्तित नहीं होती, जैसा मैंने बताया समसूत्रीय समान सूत्र हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मातृ कोशिका यानी पेरेंट सेल में 40 गुणसूत्र हैं मनुष्य की, मान लिया, तो उसकी डॉटर सेल में भी 40 ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसे समसूत्री यानी समान गुणसूत्र वाली को विभाजन कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मीटोसिस, मीटोसिस की चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो भी हम सेल डिवीजन में बता के आए हैं, शुरू की चार अवस्थाएं, एमिटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो अब एमिटोसिस में क्या होता है, कोई निश्चित नियम नहीं है, मीटोसिस में चार अवस्थाएं होती हैं और मियोसिस में भी चार चार अवस्थाएं होती हैं, मियोसिस दो स्टेज पर होता है, उनकी भी चार चार अवस्थाएं होती हैं, अभी समझते हैं। पहले फिर से देखते हैं, मीटोसिस बॉडी सेल में होता है, पक्का है, कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। ओके, जिस जो टूट रही है वो पेरेंट सेल है, और जो टूटने के बाद नई कोशिका बनती है उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन नहीं होता भाई, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट भाइयों। ओके, बहुत अच्छे भाई, इसके बाद आ जाते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रकार का विभाजन जन्म कोशिकाओं या सेक्स सेल्स में होता है। ओके, इसके बाद इसमें एक पेरेंट सेल टूटकर चार डॉटर सेल का निर्माण करती है, लेकिन ये दो स्टेप में होता है, पहले एक टूटेगी दो में, फिर दो टूटेंगी चार में, जब एक से दो बनेंगी तो वो चार फेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसे प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन कहेंगे, फिर दो बन गई, फिर नेक्स्ट स्टेप चलेगा, फिर वही चारों चलेंगे, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, ठीक है। तो इस तरह से एक कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाएंगी, इस अर्थात इसमें विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की संख्या चार गुणी यानी फोर एन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, कि अगर गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता, गुणसूत्र परिवर्तित हो जाते हैं, अगर 40 है तो 23 रह जाएंगे, 40 है तो 20 रह जाएंगे, पहली कोशिका में और मदर सेल और डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमने चार अवस्थाएं बताई, देखते हैं अभी एक चीज और देखिए, हमने क्या कहा, तीन तरह का कोशिका विभाजन, एमिटोसिस कोई निश्चित नहीं, नियम नहीं, फिर मीटोसिस और फिर लास्ट में मियोसिस। तो जो मीटोसिस और मियोसिस है इनमें चार चार अवस्थाएं होती हैं, हल्का सा बता देते हैं, हल्का सा, कि ये जो चार अवस्थाएं हैं प्रोफेज, मेटाफेज, ये मीटोटिस में भी होंगी और ये जो है मियोसिस में भी होंगी, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में होंगी। समसूत्री विभाजन में हर एक अवस्था एक बार होगी, और अर्धसूत्री विभाजन में पहला फेज वन चलेगा, जिसमें ये प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन चलेगा, फिर फेज टू चलेगा, तो प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, ये भी चलेंगे भाई। इसमें हल्का सा समझिए, प्रोफेज क्या होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है,
इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, वो समाप्त हो जाती है और उसके अंदर एक केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक छोटी सी होती है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस बोलते हैं जिसको, न्यूक्लियोलस, वो भी समाप्त हो जाती है। तो कोशिका झिल्ली समाप्त होगी और वो भी समाप्त हो जाएगा। तो क्रिएटिन नेटवर्क जो होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, वो खुल जाते हैं एक तरह से, ठीक है। दूसरी अवस्था में वो क्रोमेटिन नेटवर्क इकट्ठे होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा हो जाता है मेटाफेज में। मेटाफेज में फिर वो जो है, फिर क्रोमोसोम बनकर वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। अब लेकिन वो जो है दोनों भाग अलग अलग होते हैं। फिर एनाफेज की बात आती है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में वो जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर फिर झिल्ली चढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। दो भाग बनेंगे, दोनों भागों के ऊपर झिल्ली चढ़नी शुरू हो जाएगी और लास्ट में फिर, अभी यहां पर केंद्रक दो बन चुके हैं, उसमें फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा दोबारा से, फाइनल इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, दो न्यूक्लियस पूरी तरह से बन गए। और लास्ट में क्या होगा कि जो हमारा कौन सा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें जो हमारी पूरी साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, यानी कि एक साइटोप्लाज्म इधर, एक साइटोप्लाज्म इधर, एक कोशिका इधर पूरी विकसित, इधर भी दूसरी कोशिका दूसरी तरफ पूरी विकसित होती है। तो ये स्टेप होते हैं, इनको पूरा समझना चाहें तो समझा जा सकता है, लेकिन अभी देखिए आप इसकी गहराई में इतना उतरेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा भाई। इसीलिए हमने एक ही वीडियो में कोशिश किया कि कोशिकाओं के बारे में पूरी तरह से समझाया जा सके। देखिए एक वीडियो में बताने का और तीन वीडियो में बताने का बहुत अंतर होता है। अगर हम इसके डिटेल में जाते तो इस पर तीन वीडियो लगती एक एक घंटे की भाई, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए हमें लगा कि भाई इतने में ही हम आपको जो कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो हमने इस वीडियो को इतना ही बना दिया, ठीक है। अब जैसे इनके बारे में डिटेल बताएं, कोशिका अंग कुछ रह गए उनके बारे में भी लिखवाएं, सभी की खोज लिखवाएं, सभी के वर्ष लिखवाएं, तो बहुत ज़्यादा मैटर बन जाता है जो बच्चे से संभाला नहीं जाता। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में तो आ गई होगी। बस एक चीज़ याद रखिए, वीडियो में जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको वहाँ पर पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ से शुरू तक लास्ट तक देखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाने के बाद आप उसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक यानी टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो अगली वीडियो हमारी ऊतक पर होगी, तो पहली वीडियो कोशिका, अगली वीडियो हमारी ऊतक पर आने वाली है। इंतजार करिए भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।